नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टेक्निकल कॉल में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक्सेल शीट के अंदर पावर टेबल कैसे बनाई जाती है। प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि मेरे पास एक एक्सेल शीट है, इसमें मैं आपको पावर टेबल बना के दिखाता हूँ। तो आपको एक्सेल शीट ओपन होने के बाद में आपको क्या करना है, जैसे ऊपर होम का ये ऑप्शन है, इसी के पास में एक इंसर्ट का ऑप्शन और आता है। आप इंसर्ट पे जैसे क्लिक करते हो, तो क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है कि आपको ऊपर देखिए पावर टेबल का ऑप्शन शो कर रहा होगा। या तो आप पावर टेबल क्लिक कीजिए, नहीं तो आप एक बार जो ये शीट है, टेबल बनी हुई है, इसका जो डाटा है आप लास्ट तक इसको सिलेक्ट कर लीजिए। आप एक वन बाय वन भी कर सकते हो और कंट्रोल की के साथ भी आप इसको पूरे को सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे ही आपका ये डाटा सिलेक्ट होता है, तो आपको उसके बाद क्या करना है कि पावर टेबल पे उस पर क्लिक करना है। इस पर जो ऑप्शन आते हैं, एक तो ये कहता है कि सिलेक्ट रेंज, उसके बाद नीचे ऑप्शन है न्यू वर्कशीट और एग्जिस्टिंग वर्कशीट। तो आप न्यू वर्कशीट पे आप क्लिक कीजिएगा। जैसे आप ओके करते हो तो आपके पास एक पावर टेबल का डायग्राम या चार्ट बन के आ जाता है। तो आपको उसके बाद क्या करना है कि देखिए फील्ड लिस्ट पावर टेबल एरिया, तो आपको क्या करना है पावर टेबल एरिया का, जैसे फिल्टर कॉलम्स रो एंड वैल्यूज। तो आपको जैसे आपके पास इस शीट के अंदर 185 वैल्यूज थी, तो अब मुझे पूरी शीट के अंदर पर्टिकुलर डाटा निकालना है कि भी किस रीजन, जैसे मैं रीजन ले लेता हूँ, मैंने रीजन को क्या रखा रो में लिया, मैंने रीजन को सिलेक्ट किया रो में, और उसके बाद मैंने क्या किया ब्रांच की वैल्यू मैंने ले ली। अब दोस्तों आप देख रहे हो कि मेरे पास रीजन और ब्रांच पावर टेबल में मैंने क्या सिलेक्ट किया था, रो और वैल्यू। तो रो के अंदर मैंने डाला था कि भाई रीजन में जैसे मेरे पास क्या क्या रीजन है, जैसे ब्रह्मपुर भुवनेश्वर लाइक दिस, आगे भी इसमें और रीजन्स हैं। उसके बाद मैंने ब्रांच को वैल्यूज में डाला था कि भाई वैल्यूज में डालने का रीजन ये है कि भाई मेरे पास पता चल जाए मुझे कि भाई किस रीजन के अंदर कितनी ब्रांच है। अब जैसे मेरे पास ये ब्रांचें आ गई हैं, अब मैं किसी भी ब्रांच पे क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने इस पे ब्रांच पे क्लिक ब्रांच की वैल्यू पे क्लिक किया, तो मेरे पास पर्टिकुलर उसी रीजन के ब्रांच का डाटा मेरे पास टोटल आ गया है, जिसके अंदर कॉलम ब्रांच का प्रॉपर एड्रेस कॉन्टेक्ट डिस्ट्रिक्ट सारी डिटेल आ गई है। और इसी तरीके से हम पावर टेबल के अंदर चार्ट भी बना सकते हैं। सेम वही आपको क्या करना है कि डाटा सेलेक्ट करना है, इंसर्ट पे आप क्लिक कीजिएगा, पावर चार्ट पे क्लिक कीजिएगा, सेम वही ऑप्शन आपके पास आएगा, आप ओके कीजिए। एक वैल्यू आप एक न्यू शीट जनरेट हो गई है, उस शीट के अंदर आपको क्या करना है सेम उसी तरीके से जैसे करेंगे कि मैंने रीजन को कॉलम में लिया, उसके बाद फिर मैंने ब्रांच लिया। तो आप देखिएगा कि भी जैसे भुवनेश्वर है, चंडीगढ़ है, देहरादून है, ब्रह्मपुर है, जो भी इसमें सीट के अंदर रीजन के अंदर जो भी रीजन नेम दिए हुए हैं और उनके आगे ब्रांच वैल्यू आ गई है, उसके इस साइड देखिएगा आपके चार्ट बन गया है। उस चार्ट में जैसे आप क्लिक करते हो, मान के चलो आपके पास 0, 5, 10 पर्टिकुलर आप वैल्यू जैसे 29 है या 19 है, तो आप पर्टिकुलर एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो कि भी 29 है या 19 है। तो आपको क्या करना है, जैसे इस पर आप क्लिक करते हो तो इस साइड में एक्सिस पे एक ऑप्शन होगा, उसमें आप जैसे अगर आप 1 प्रेस करते हो, 2 प्रेस करते हो, जिस मैंने आपको किया 2, तो 2 करने के बाद में जैसे क्लिक किया तो देखिएगा इसमें पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग वैल्यू आपके सामने आ गई है। तो दोस्तों इसी तरीके से आप पावर टेबल और पावर चार्ट बना सकते हो। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि आपको सबसे पहले एक्सेल शीट को ओपन करना है, उसके बाद इंसर्ट ऑप्शन में जाना है। इंसर्ट ऑप्शन में जाने के बाद आपकी जो शीट खुली है, जैसे मेरे पास ये शीट थी, तो मैंने इस शीट में क्या किया कि भी पावर टेबल बनाने के लिए मैंने सबसे पहले इसका जो पर्टिकुलर डाटा है उसको मैंने सिलेक्ट किया। मैंने क्या शिफ्ट किया, शिफ्ट से लास्ट तक कंट्रोल के साथ मैंने डाउन एरो की दबाया, फिर वही लेफ्ट एरो की दबाता हूँ तो मेरा पूरा डाटा सिलेक्ट हो गया। पूरा डाटा सेलेक्ट होने के बाद में मैंने क्या किया, इंसर्ट ऑप्शन में जाने के बाद आपके लेफ्ट हैंड साइड ऊपर की साइड एक पावर टेबल नाम का ऑप्शन आता है, मैंने उस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मेरे पास एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, उस डायलॉग बॉक्स में ऑप्शन आते हैं जैसे सेलेक्ट रेंज मैंने सेलेक्ट की हुई ऑलरेडी। अब उसके बाद मैं न्यू वर्कशीट और एग्जिस्टिंग मैं करता हूँ न्यू पे, मैंने न्यू पे ओके किया,
ऊपर जैसे मैं ओके करता हूँ तो मेरे पास एक नई शीट जनरेट हो जाती है जिसके अंदर पॉवर टेबल मेरी बन गई है। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर वैल्यू इंसर्ट करनी है। वैल्यू इंसर्ट करने के लिए आपको क्या करना है कि आपके राइट हैंड साइड देखिएगा पॉवर टेबल फील्ड लिस्ट और पॉवर टेबल एरिया। एरिया का मतलब ये हो गया कि आपके पॉवर टेबल जो आपने बनाई है जैसे कि ये, इसके अंदर आपके फिल्टर कॉलम्स रोज एंड वैल्यूज। तो आपको क्या करना है, जैसे मैंने सिलेक्ट किया रीजन, रीजन को मैंने रोज के अंदर डाला, तो रोज के अंदर डालते के साथ ही मेरे जितने भी रीजन हैं वो सारे आ गए हैं। उसके बाद मैंने क्या किया कि भाई किस रीजन के अंदर मेरी कितनी ब्रांच हैं, तो मैंने उस ब्रांच को सिलेक्ट किया और वैल्यूज के अंदर डाल दिया। तो मैं देखिएगा मेरे पास ये डाटा आ गया है कि भी मेरी ब्रांचेज आ गई हैं और वो सॉरी रीजन आ गए हैं कि मेरे ये रीजन है और उस रीजन के अंदर मेरी इतनी ब्रांचें हैं। जैसे रीजन है भुवनेश्वर है, भुवनेश्वर के अंदर 19 मेरी ब्रांच ओपन है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी 19 कौन कौन सी ब्रांच हैं, तो मैं 19 पे जैसे डबल क्लिक करता हूँ तो न्यू शीट जनरेट होती है। उस शीट के अंदर मेरे भुवनेश्वर के अंदर 19 जो ब्रांचेज थी उनका पर्टिकुलर डाटा मेरे पास आ गया। और इनको आप कॉपी करके न्यू शीट में आप पेस्ट कर सकते हो क्योंकि इनके अंदर फिल्टर लगा हुआ है। आप फिल्टर पे जैसे क्लिक करते हो तो डिफॉल्ट वैल्यू आ जाती है कि भी आपके पास ये है। और सेम इसी तरीके से आपको अगर इस टेबल के अंदर पॉवर चार्ट बनाना है तो वही सेम आपको क्या करना है, उसी शीट में वापस जाना है, डाटा एरिया को सिलेक्ट करना है, फिर इंसर्ट पे क्लिक कीजिएगा, पॉवर चार्ट पे जाइएगा। पॉवर चार्ट पे जैसे आप क्लिक करते हो तो सेम वो चीज़ पूछता है, तो आपको न्यू पे आना है। न्यू आपने किया तो पॉवर चार्ट आपके सामने डिटेल आ गई है, वो सेम है फील्ड लिस्ट। और उसी तरीके से सेम आपको करना है, जैसे रीजन मैंने लिया, रीजन मैंने डाल दिया रोज के अंदर, मेरे पास रीजन आ गए हैं और पॉवर वैल्यूज और पॉवर टेबल और पॉवर चार्ट के अंदर थोड़ा डिफरेंस ये है कि जैसे आपने अब ब्रांचेस की वैल्यू में डालोगे तो पॉवर टेबल में तो ये डाटा यहाँ आ रहा था साथ में, और चार्ट में क्या करता है वो आपके पास एक पर्टिकुलर चार्ट बना के दे देता है। और चार्ट के अंदर आपको वो चेंज करना हो तो पर्टिकुलर, जैसे मैंने इस पार्ट पर क्लिक किया और एक्सिस साइज प्रॉपर्टीज इफेक्ट एंड फाइल लाइन, इन सब पे आप चेक करके अपने अकॉर्डिंग अपने डाटा को सेट कर सकते हैं।